a very good morning to all students once again we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy as you know very well in the last few videos we already discussed the various numerical chapter of the accountancy which include the two part the part a and part b in the part a we are discussing about the bookkeeping accountancy and what are the counting process? That is a general laser preparation of the subsidiary book, trial balance, preparation of the financial statement of sole proprietorship, and various small chapters like a bank reconciliation statement, bills of exchange, reserve and provisions, as well as the very uh, important chapter that is depreciation. And after that, we already discussed. रिसेंटली वी कम्प्लीट कम्प्लीटेड बिफोर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यू नो वेरी विल वॉट इज अ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वेन एनी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल इंट्री सिस्टम विच आर नॉट बेस्ड ऑन द डबल इंट्री सिस्टम बेसिकली जितने भी हम लोगों ने अकाउंट्स डिस्कस किए हैं लाइक जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिपेरेशन ऑफ ट्रेडिंग पी एल एंड बैलेंस शीट ये सब के सब आपके डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड करते हैं वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर दोज अकाउंट आर बेस्ड ऑन द सिंगल एंट्री सिस्टम सो नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस एंड ऑलमोस्ट दिस इज दिस सिलेबस इज प्योरली थोरिटिकल इन नेचर दैट्स वाई इस चैप्टर में आपको प्रेजेंटेशन से ज़्यादा नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत है दैट्स वाई आई विल प्रजेंट द होल वीडियो ऑनलाइन क्लासेस रिलेटेड टू द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस दैट इज इन कंप्यूटर इन अकाउंटिंग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के थोरेटिकल नॉलेज पर डिस्कशन किया था थोरेटिकल नॉलेज मीन्स वॉट इज़ अ कंप्यूटर व्हाट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वॉट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर इट मीन्स द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था अगर हम बात करें बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर की तो उसमें हम लोगों ने मेमोरी डिवाइस मेमोरी यूनिट सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज प्रोसेसर कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर पे डिस्कशन किया था बिकॉज यू नो वेरी वेल द कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम Consists of the three main components like a Hardware, Software and Humanware. Hardware are the components of computer system that have a physical existence and software uh, is a sequence of instruction written in a proper language will have to fit in computer. A set of such instruction is known as program and set of program is called software. You know that in accounting, computer coffee, role because without the help of the computer, आज के इस मॉडर्न एज में ई e बिजनेस के एज में कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसीलिए इन शॉर्ट वे वी कैन से दैट कंप्यूटर में बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन स्टोरिंग एनालाइजिंग डाटा एंड प्रोसेसिंग डाटा इन टू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एट अ फिनॉनिमल स्पीड एंड एक्यूरेसी सो आफ्टर डिस्कसिंग अ वेरियस थ्योरेटिकल टॉपिक रिलेटेड टू द कंप्यूटर यूज ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग लेट्स यू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आखिर हम किस पर्पज से किस एम से हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं कैपेबिलिटीज़ का मतलब है योग्यता से यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके कारण एलिजिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर अकाउंटिंग uh, के एज में यूज़ करते हैं जिसमें सबसे फर्स्ट आता है दैट इज एन स्पीड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी स्पीड सो कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑपरेशंस एट अ वेरी हाई स्पीड इट कैन प्रोसेस एंड रिट्राइव ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा क्विकली यू नो वेरी वेल कंप्यूटर के हेल्प से हम बड़े बड़े ऑपरेशंस को बड़ी तेजी से हाई स्पीड से परफॉर्म कर सकते हैं इट कैन प्रोसेस और रिट्राइज वॉल्यूम ऑफ डाटा वेरी क्विकली और ये बहुत बड़े वॉल्यूम के डाटा को ईजिली रिट्राइव एंड प्रोसेस कर सकता है अगर हम बड़े बिजनेसमैन की बात करें तो वहाँ पे डे टू डे इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन होते हैं कि उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना उस ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट करना और उनसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना लगभग अकाउंटेंट के बस की बात नहीं होती है सिर्फ आज के एज में अकाउंटेंट की भूमिका या रोल सिर्फ यही हो गई है बेसिकली यही रोल हो गया है कि वो सिर्फ डाटा को इंटर करता है इन द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत तरह के कंप्यूटर बिजनेस सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से क्या करते हैं अकाउंटेंट क्या करते हैं वो डाटा को इनपुट करते हैं और स्पीडली काम क्या हो जाता है तेजी से होने लगता है नेक्स्ट इज एक्यूरेसी एक्यूरेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गीगो गीगो इज़ अ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट कंप्यूटर आर नोन फॉर बींगूरेट इफ मिस्टेक ऑकर दे ऑकर इन द दबसेंस ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड बिकॉज ऑफ बूअर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कहते हैं इंसान से गलती होती है बट मशीन से गलती नहीं होती यस yes. मशीन से गलती तब होती है जब हम उसे इंस्ट्रक्शन गलत देते हैं या उसमें जो सॉफ्टवेयर हमने इनबिल्ड किया हुआ है उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई इनएकूरेसी होती है यानी बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम उसे इंस्ट्रक्शन कैसा दे रहे हैं इसी टर्मनोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी आप बेस कह सकते हो वो है फ्रेज है दैट इज़ गी गो गारबेज इन गारबेज आउट यानी अगर आप कूड़ा डालोगे तो कूड़ा निकलेगा यानी अगर आपने इंस्ट्रक्शन सही दिया है तो आपको इंस्ट्रक्शन के बदले जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा एज लाइक इट इज़ अगर हम कैलकुलेटर में या कंप्यूटर में टू प्लस टू इंटर करते हैं तो आंसर इज़ फोर बट अगर हम टू प्लस थ्री थ्री को गलती से अगर हमने इंटर कर दिया तो आंसर फाइफ आएगा यानी अगर हमने इंस्ट्रक्शन गलत दिया डाटा गलत दिया तो आंसर ऑटोमेटिक गलत आएगा इट मीन्स कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी की स्पीड के साथ साथ अगर हम उसकी स्पीड को देखें तो स्पीड भी आ, अगर ह्यूमन से कंपेयर करें तो ज़्यादा तेज़ होती है और एक्यूरेसी के मामले में कंप्यूटर ज़्यादा परफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग बिकॉज ऑफ ये टोटली totally डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे यानी अगर इंस्ट्रक्शन सही है तो सिंपल सी बात है कि इस ये रिजल्ट भी आपको सही देगा नेक्स्ट इज मेमोरी और स्टोरेज कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज डाटा द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज सो लार्ज डेट इट कैन स्टोर आट लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा फॉर बिंग प्रोसेस्ड सच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर इन इट ऑन मैग्नेटिक डिस्क फ्लॉप डिस्क पंच कार्ड एंड माइक्रोफिल्मस पेन ड्राइव्स द इंफॉर्मेशन स्टोर इन इट कैन ऑल्सो बी रिकॉर्ड एट एनी टाइम वेन रिक्वायर्ड मेमोरी स्टोर की स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यू नो वेरी वेल कि कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी के लिए सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हम इसमें बड़े वॉल्यूम में डाटा को स्टोर कर सकते हैं यानी कि अगर आप हम ह्यूमन की मेमोरी की बात करें तो ह्यूमन की मेमोरी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है किसी पर्सन की मेमोरी पावर बहुत तेज होती है किसी पर्सन की मेमोरी पावर काफ़ी कम होती है लेकिन कंप्यूटर में उसमें इस तरह के सॉफ़्टवेयर्स इस तरह के हार्डवेयर्स इनबिल्ड किए जाते हैं ताकि उसका जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है यानी अगर उसमें बहुत साल पुरानी अगर हमें कोई फाइल सर्च करनी हो बहुत साल पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी हो तो वी कैन ईजली रिज इट ट्राई फ्राम द कंप्यूटर सिस्टम दैट्स वाई कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ बिजनेस के एज में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है वर्सेटेलिटी अ कंप्यूटर इज कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स इट कैन स्विच ओवर फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फेड इन टू इट द सेम कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एनी एरिया ऑफ एप्लीकेशन लाइक बिजनेस इंडस्ट्री साइंटिफिक टेक्नोलॉजी स्टेस्टिकल एंड कम्युनिकेशन यानी हमें किसी भी तरह का कोई भी वर्क uh, करना हो यानी कंप्यूटर कई तरह के कामों में कह सकते हो वर्सेटाइल होता है जैसे सिंगर वर्सेटाइल सिंगर्स होते हैं जो कई तरह के सिंग कई तरह के कई टाइप्स के जो सॉन्ग्स होते हैं वो सिंग कर सकते हैं उसी तरह से पर्सन भी वर्सेटाइल होता है जिसको कई तरह के नॉलेज हो। हाँ उसी तरह से कंप्यूटर तो पूरी तरह से वर्सेटाइल होता है क्यों क्योंकि इसका यूज़ कई जगह पर होता है क्योंकि वो कई तरह की जॉब्स परफॉर्म कर सकता है यानी उसे हम एक जगह एक जगह यूज़ करना है तो उसको उस अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा बिजनेस में हो इंडस्ट्री में हो साइंटिफिक में हो या टेक्नोलॉजी में हो चाहे स्टेस्टिकल एरियाज़ में हो चाहे कम्युनिकेशन एरियाज़ में हो इन सब जगह पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि कंप्यूटर को हम स्टेस्टिकल एरिया में यूज़ नहीं कर सकते कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन बिल्ड कराने पड़ते हैं नेक्स्ट इज नंबर फाइव साइंटिफिक अप्रोच नंबर फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज अ साइंटिफिक अप्रोच कंप्यूटर इज कैपेबल फॉर यूजिंग साइंटिफिक अप्रोच रैदर देन इमोशनल अप्रोच व्यू आई सॉल्विंग प्रॉब्लम यानी जब कोई भी कंप्यूटर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है या किसी रिजल्ट को इंटरप्रेट करता है तो उसमें वो रैशनल की तरह एनालाइज करता है ना कि इमोशनल पर्सन की तरह कंज्यूम करता है किसी भी रिजल्ट को निकालता है बिकॉज यू नो वेर ह्यूमन बींग और कंप्यूटर uh, सिस्टम में बेसिकली यही डिफरेंस है कि सिर्फ जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर ने वैसा आपको आउटपुट दे दिया लेकिन जब भी ह्यूमन बींग को हम कोई इनपुट देते हैं तो वो अपने परसेप्शन अपनी इंटेलिजेंसी अपने एटीट्यूड अपने एप्टीट्यूड सब चीज़ का यूज़ करके आपको आउटपुट देता है इसीलिए ये कह सकते हो ये कैपेबिलिटीज़ भी हैं एक तरह के लिमिटेशंस भी है कि कंप्यूटर का अपना खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं होता यानी ये टोटली totally बेस्ड करता है किस चीज़ों पर इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द साइंटिफिक अप्रोच कि जैसा हम इसको देंगे वैसा वो हमको रिजल्ट देगा यानी इस फ्री फ्रॉम बायस बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल इन मैनर इट इज नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन फीलिंग और ओपिनियन नेक्स्ट इज डिलीजेंस अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स फैटिक्यूड थे ब्रॉडउन लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन It can be used continuously for many days as a single stretch without getting tired. Moreover, it does not suffer from lack of concentration, can perform the job of repetitive nature any number of times in exactly the same way. Diligence का यहाँ आप अर्थ ऐसे लगा सकते हो, मीनिंग ऐसे लगा सकते हो कि कंप्यूटर सिस्टम है। तो कंप्यूटर सिस्टम की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये टाइड, फैटिग्यू, बोर्डम इन तरह की जो चीज़ें हैं। ओके okay, सो so हम लोग यहाँ बात कर रहे थे इंटेलिजेंस पे कि कंप्यूटर जो है वो बिना थके हुए बिना रिपिटिव नेचर के काम को बर्डन लिए हुए वो उस काम को परफॉर्म करता है जैसे अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग क्या करते हैं बेसिकली वो किसी काम को करना है उनको तो वो अगर रिपिटेटिव नेचर के काम है तो वो उससे बोर हो जाते हैं हाँ उनको उस काम को करने के लिए फिर कॉन्सेंट्रेशन लगाना पड़ता है कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है लेकिन कंप्यूटर एक न्यूट्रल बिहेवियर रहता है क्योंकि उसके अंदर इमोशनल या पर्सनैलिटी या एप्टीट्यूड एटीट्यूड कॉमन सेंस चीज़ें नहीं होती उनको जैसा उसके अंदर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो वैसे वर्क करता है इज़ लाइक इट इज़ सो डिलीजेंस का मतलब यहाँ पे है कि कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ द फैटिक्यू थकान टाइडनेस बोर नहीं होता लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर कॉन्सनट्रेट होता है ना जैसे अगर हम कभी कभी आठ घंटे काम कर लें तो नौवे घंटे लगता है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है या हम उस काम में अब कैपेबल नहीं है बिकॉज ऑफ मेरा कहीं ना कहीं जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया है सो दैट्स वाई इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर क्योंकि अगर हम इसमें लॉन्ग टाइम के लिए काम कर रहे हैं लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता नंबर सेवन यूजेज ऑफ स्पेशल लैंग्वेजेस आ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द ऑर्डिनरी लैंग्वेज अ नंबर ऑफ स्पेशल लैंग्वेज हैज़ बिन डेवलप इन ऑर्डर टू फीड द इंफॉर्मेशन एंड डाटा इन टू अ कंप्यूटर द बेसिक स्पेशल लैंग्वेज आर यूज इन प्रोसेसिंग साइंटिफिक टाइप ऑफ डाटा लाइक अ कोबोल बेसिक पासकल फोटॉन यानी इस तरह के जो लैंग्वेजेस हैं स्पेशल लैंग्वेज हैं वो आपको पता ही है कि कंप्यूटर में कई तरह के स्पेशल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है जिस तरह से एक ह्यूमन बींग की लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश भोजपुरी वो अपने region के according, अपने रीजन के अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेजेस को चूज़ करता है मदर लैंग्वेज को यूज़ कर मदर टंग की लैंग्वेज को यूज़ करता है उसी तरह से कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टेंड अ ऑर्डनरी लैंग्वेज उसको हिंदी इंग्लिश की भाषा समझ में नहीं आती उसके लिए एक अलग तरह की भाषा या अलग तरह का इंस्ट्रक्शन फीड किया जाता है जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर को टू प्लस टू का इंस्ट्रक्शन देना है तो उस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए बाइनरी नंबर की कोडिंग की जाती है और कई तरह के स्पेशल लैंग्वेजेस की कोडिंग की जाती है लाइक ओ कोबोल पा, बेसिक पासकल इन फोटॉन ओके सो दीज आर द फ्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर सिस्टम में कई तरह की कैपेबलिटीज़ होती हैं लाइक स्पीड एक्ूरेसी मेमोरी वर्सटेलिटी एंड साइंटिफिक अप्रोच इंटेलिजेंस एज वेल एज यूज ऑफ स्पेशल लैंग्वेज सो वी कैन सी दैट देयर आर सेवन कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर की स्पीड के बेसिस पे एक्यूरेसी के बेसिस पे मेमोरी वर्सिटैलिटी साइंटिफिक अप्रोच इंटेलिजेंस एंड यूज ऑफ स्पेशल लैंग्वेजेस के बेसिस पे आज कंप्यूटर की डिमांड एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स काफ़ी तेजी से बढ़ गई है क्योंकि अब ह्यूमन के डिमांड कंप्यूटर के डिमांड से कम हो गई है क्योंकि लोगों का डिपेंडेंसी मशीन पे ज़्यादा है ह्यूमन पे कम होता है ओके सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द computer system the first limitation of a computer system is a lack of decision making computer are only helpful in taking the decision while they are not able to take decision on their own decision making is a complex process which requires a lots of understanding information intelligence and ability to decide computer need not to be programmed बिफोर हैंड इन ऑर्डर टू एक्वायर एबिलिटी टू टेक डिसीजन द फर्स्ट लिमिटेशन आई जी यू नो वेरी वेल कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये होता है कि वो डिसाइड नहीं कर सकता डिसीज़न ले ले सकता बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच रिक्वायर्ड अ लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी क्योंकि डिसीजन के लिए यू नो वेरी वेल वॉट इज डिसीजन डिसीजन इज अ प्रोसेस बाई विच वी चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द अवेलेबल गिवन ऑप्शन यानी वी कैन चूज़ द बेस्ट ऑप्शन डिसीजन का मतलब होता है गिवन ए अल्टरनेटिव में से किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना देट इज़ दल मीज अ डिसीज़न एंड डिसीजन के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है एबिलिटी टू डिसाइड की ज़रूरत पड़ती है दैट्स वाई कंप्यूटर नीड टू बी प्रोग्राम बिफोर हैंड इन ऑर्डर टू ए कार एबिलिटी टू टेक डिसीज़न यानी कंप्यूटर को किसी भी इस्पेसफिक uh, डिसीज़न के लिए साइंटिफिक डिसीज़न के लिए बिजनेस डिसीज़न के लिए कैपेबल नहीं माना जा सकता क्योंकि उसकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती उसका खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं होता अगर हमें उस एक उसके बेसिस पर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए प्रॉपर उसके पास उसका एक ओवरव्यू होना चाहिए उसका एक एप्लिकेशन होना चाहिए नेक्स्ट सेकेंड इज लैक ऑफ इंटेलिजेंस अ कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट हैव एन इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन उसका खुद का इंटेलिजेंस नहीं होता लैक ऑफ कॉमन सेंस इट इज़ अनदर ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर अ कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑपरेशन एंड टास्क एज पर दिट्स प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर अपने प्रोग्रामिंग के बेसिस पर वर्क करता है एंड फेल्स टू एनालाइज अ लॉजिकल एंड एंड लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ए डे फॉर कंप्यूटर इज कॉल द फेथफुल नेवर ट्राइंग बट अ फुलिश सर्वेंट इसीलिए हम लोग कहते हैं कंप्यूटर को कि कंप्यूटर बहुत ही भरोसेमंद है कभी ना थकने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है एक आ, मशीन है इक्विपमेंट है बट इट इज़ लाइक अ फुलिश सर्वेंट यानी एक तरह से वो सर्वेंट की तरह काम करता है जैसा हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे वो काम करता है ज, और फुलिश क्योंकि उसके खुद की कोई डिसीजन पावर नहीं होती खुद का कोई इंटेलिजेंस लेवल नहीं होता खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं होता यानी बेसिकली ह्यूमन बींग एंड कंप्यूटर के बीच में बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि ह्यूमन बिंग के पास खुद के लिए डिसीजन मेकिंग पावर होता है इंटेलिजेंस होती है कॉमन सेंस होता है बट कंप्यूटर के पास अपना खुद का ना डिसीजन पावर होता है इंटेलिजेंस नहीं होती ना ही उनका कोई कॉमन सेंस होता है ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपरली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग यानी हमें इन्फॉमेशन सिस्टम जानने से पहले इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तीन बेसिक पिलर डाटा इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम को समझना काफ़ी ज़रूरी है फर्स्टली वॉट इज़ अ डाटा डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर इन रॉ यानि डाटा किसी भी फैक्ट्स एंड फिगर का कलेक्शन होता है ये ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज फॉर्म में हो सकता है बेसिकली जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाती है बेसिकली इट इज़ नॉट इन डायरेक्टली यूजफुल फॉर्म इट मे बी अवेलेबल इन एनी फॉर्म डैट मे बी यूजेबल और अनयूजेबल और मे नॉट हैव मीनिंग बाई इट्स बेसिकली डाटा जो होता है एक फिगर एंड फैक्ट्स होता है जो रॉ होता है रॉ मीन्स एकदम कच्चा जैसे आप उस इनफॉ उस, उस, उस डाटा से जिस तरह से आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें आप ले सकते हैं जैसे कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन काउंट कराया तो पॉपुलेशन हमने काउंट करा लिया और पॉपुलेशन में हम लोगों ने उससे हम कई तरह से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं उसको कई तरह से उससे जनरेट कर सकते हैं द फर्स्ट वन कितने पॉपुलेशन में से कितने लोग सिटी में बिलोंग करते हैं कितने लोग विलेज में बिलोंग करते हैं इट इज़ जस्ट लाइक अ इंफॉर्मेशन उस पॉपुलेशन में कितने लोग इलिटरेट हैं कितने लोग लिटरेट हैं कितने लोग एजुकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेट करते हैं कितने लोग नॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेट करते हैं कौन पॉवर्टी लाइन से अबब है कौन पावर्टी लाइन से बिलो है कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं सो यू कैन सी दैट डाटा एक बेस होता है एक रॉ होता है और उस डाटा की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं बेसिकली सो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इन रॉ इट इज़ नॉट इन इन डायरेक्टली यूजफुल फॉर्म इट मे बी अवेलेबल इन एनी फॉर्म अपने इकनॉमिक्स में पढ़ा होगा बेसिकली कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द डाटा प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा वो डाटा होते हैं जो हम एट द टाइम एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ प्लेस से या सोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन से हमें प्राप्त करते हैं जैसे कोई भी इंसिडेंट जहाँ पर घटा अगर हम वहाँ जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं तो इज एम प्राइमरी डाटा और जब हम किसी के हेल्प के थ्रू किसी सेकेंड पार्टी या मीडिएटर के थ्रू वो डाटा कलेक्ट करते हैं टि इफ इज वॉन एज एन सेकेंडरी डाटा जैसे मैगजीन के थ्रू न्यूज़पेपर के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं टू इज इन सेकेंडरी डाटा सो डाटा यूजेबल भी होती है या अनयूजेबल भी होती है मे नॉट हैव इन मिनिमाइट सेल्फ लाइक अल्फाबेट नंबर्स नेम सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉ सैम्पल टू कन्वर्ट देम इन टू यूजफुल फॉर्म दीज नीड सम प्रोसेसिंग डाटा इज ऑल्सो टर्म्ड एज इनपुट यानी उससे इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए किससे डाटा से इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए हमें उसकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है और डाटा को हम इनपुट भी कहते हैं सो बेसिकली वॉट इज़ द डाटा डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर ये अनरऑर्गनाइज फॉर्म में होता है और ये यूजेबल भी हो सकता है रॉ भी हो सकता है ऐसा हो सकता है जैसे प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा मतलब जो जस्ट रॉ डाटा है और उस रॉ डाटा से हम कोई भी इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं कोई पहले की कोई प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन भी हमारे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एज अ डाटा भी वर्क कर सकती है जैसे 2010 में 11 में हम लोग सेंसस यूज करते हैं तो 2011 के जो सेंसस हैं उसके बेसिस पे हम लोग कई तरह के डाटा इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसी तरह से डाटा का मतलब बेसिकली ये होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स से इन्फॉर्मेशन क्या होता है वेन डाटा इज़ प्रोसेस्ड बिकम्स यूजफुल जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं इट विल बी नोन एज ए इंफॉर्मेशन एंसर टू क्वेश्चन सच हु वॉट वेयर वेन आर प्रोवाइडेड बाई द इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज आउटपुट यानी डाटा जो हम इनपुट करते हैं और उस डाटा को एनालाइज करके प्रोसेस करके हमने उसमें इन्फॉर्मेशन जनरेट की जैसे मैंने आपको अभी जस्ट पहले एग्जाम्पल दिया कि आपने पॉपुलेशन काउंट कराया पॉपुलेशन से आप कई तरह से इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो कि कितने मेल पर्सन हैं कितने फीमेल हैं कितने लोअर बिलो लाइन पॉवर्टी लाइन के बिलो बिलोंग करते हैं कितने लोग पॉवर्टी लाइन से अब बिलोंग करते हैं कितने लोग की एनुअल इनकम फाइव लैख से ज़्यादा है कितने लोग की एनुअल इनकम फाइव लैख से कम है कितने मैरिड हैं कितने अनमैरिड हैं कितने लिटरेट हैं कितने इलिटरेट हैं सो यू कैन सी दैट आप उस इनपुट को कितने भी तरह से आप इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो द नेक्स्ट वन इज़ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ लिंक बिटवीन द डाटा एंड इंफॉर्मेशन बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स फॉर कलेक्टिंग स्टोरिंग प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कलेक्टिंग स्टोरिंग प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेट इनफॉर्मेशन का एक इंटीग्रेटेड सेट होता है यानी जब भी हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं इन्फॉर्मेशन तो सिस्टम में डाटा को कलेक्ट करना उनको शॉर्ट करना उनको प्रोसेस करना और उससे रिलेटेड पार्टी तक कम्युनिकेट करना ये सब चीज़ें इन्फॉर्म इंक्लूड की जाती हैं यानी डाटा को कलेक्ट करने से लेके डाटा से इंफॉर्मेशन जनरेट करने तक और उस डाटा को फिर रिलेटेड पार्टी तक कम्युनिकेट करने के लिए हम जिस सिस्टम को यूज़ करते हैं इट विल बी नोन एज इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन आई एस इन मॉडर्न टाइम्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ बिकम अ साइंटिफिक फील्ड वेन प्रोविज इंफॉमेशन सिस्टम इज़ अप्लाई टू इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इन इंडस्ट्री गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉट प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम का आज मॉडर्न टाइम यूज़ साइंटिफिक फील्ड में होता रहा है और जब हम इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंडस्ट्री के फील्ड में गवर्नमेंट एजेंसीज़ के फील्ड में या एन में यूज़ करते हैं तो ये बन जाता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं डाटा को स्टोर करते हैं उस डाटा को प्रोसेस करते हैं उससे रिलेवेंट इन्फॉमेशन जनरेट करते हैं और फिर उस इंफॉमेशन को रिलेटेड पार्टीज रिलेटेड पार्टीज का मतलब जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर कंपनी की पोजीशन कैसी है उस प्रोडक्ट की पोजीशन कैसी है गवर्मेंट एजेंसीज जो वर्क कर रही है उसकी पोजिशन कैसीज हैं एन पी अपने फंड का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहा है ये सब इन्फॉर्मेशन हमें निकल के आती है विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन सिस्टम ओके सो दिस विल इन द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द डाटा इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम सो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ द फैक्ट एंड फिगर इन रॉ इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट इज अ प्रोसेस कह सकते हो इज़ रिजल्ट वैन डाटा इज़ प्रोसेस्ड एंड बिकम यूजफुल इट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम इन विच वी इंक्लूड द कलेक्टिंग ऑफ डाटा शॉर्टिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग डाटा एंड द कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज टू द इंटरेस्टेड पार्टीज एंड इन मॉडर्न टाइम्स हम अपने इंफॉर्मेशन को कई तरह से यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को साइंटिफिक फील्ड में भी यूज़ करते हैं बिज़नेस फील्ड में भी यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को अपने रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें सो यू कैन सी दैट कि कितना बड़ा रोल हो गया है आज कंप्यूटर का अकाउंटिंग में अगर हम कंप्यूटर अकाउंटिंग के बाद में बात करें तो कंप्यूटर अकाउंटिंग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं कंप्यूटर का काम न सिर्फ डाटा को रिकॉर्ड करने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ही नहीं रह गया बल्कि आज के इस एज में विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर अकाउंटेंट कैन टेक अ वेरियस टाइप्स ऑफ द वर्क रिलेटेड टू इट्स फील्ड बाय द कंप्यूटर क्विकली एंड विद द मिनिमाइजेशन ऑफ द रिस्क रिस्क भी कम होगा विद द मिनिमाइजेशन ऑफ द मिस्टेक मिस्टेक भी कम होगी और एक्यूरेसी होगी स्पीड होगा ये सब सारी चीज़ें होंगी

अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो तो हर फील्ड में इंफॉमेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है तो अकाउंटिंग के फील्ड में जिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है इट विल बी नोन एज एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ए आई एस सो वॉट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम शॉर्ट में इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्स पीपल इन इक्विपमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन ए आई एस इसमें हम रिसोर्सिस को कलेक्ट करते हैं पीपल एंड इक्विपमेंट डिज़ाइन टू ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म फाइनेंशियल एंड अदर डाटा इन टू इंफॉर्मेशन यानी हम पीपल यू नो वेरी वेल अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो उसमें दो तरह की अकाउंटिंग बेसिकली देखने को मिलती है एक पीपल इट मीन्स अ ह्यूमन रिसोर्स एंड इक्विपमेंट दैट इज एन फिजिकल रिसोर्स बेसिकली किसी बिजनेस को चलाने के लिए दो तरह के रिसोर्स की जरूरत होती है ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन बींग एन इक्विपमेंट लाइक एन ए फिज़िकल रिसोर्स लाइक अ मशीनरी इक्विपमेंट तो इन सबके डाटा का कलेक्शन होना चाहिए कि कितने इम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं कितने बजे आ रहे हैं कितने बजे जा रहे हैं उनकी अकाउंटिंग रखना उनकी सैलरी उनका लीव उनका मेडिकल ऑल द थिंग्स उनकी परफॉर्मेंस सब चीज़ें अकाउंटिंग के कंप्यूटर की हेल्प से पॉसिबल हो चुका हो चुका है क्योंकि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की भी बात की जाती है कि हम जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी अकाउंटिंग की जाए ह्यूमन रिसोर्स कितने इन हो रहे हैं कितने आउट हो रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है उनकी सैलरी क्या है उनका लीव क्या है यू कैन सी दैट कितने अगर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उसमें कितने इंप्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उन एम्प्लॉइज़ का डाटा रखना उन डाटा को शॉर्ट करना उसको एनालाइज करना इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट्स वाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम पीपल एंड इक्विपमेंट इक्विपमेंट मतलब फिजिकल रिसोर्सेज फिजिकल रिसोर्सेज यू नो वेरी वेल एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहाँ प्रोडक्शन एक्स सेक्टर है वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीने को जरूरत पड़ेगी बड़ी बड़ी मशीनों को इन हमें इम्पोर्ट करना है परचेस करना है रिपेयर करना है उसको इम्पोर्ट करने में कितना खर्च हुआ उसको रिपेयर कराने में कितना खर्च हुआ उसका अकाउंटिंग रखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यानी एक बिजनेस को रन करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की काफ़ी बड़ी काफ़ी बड़ा रोल होता है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं पीपल दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स एंड इक्विपमेंट दैट इज एन फिजिकल रिसोर्स दोनों की अकाउंटिंग करते हैं दोनों का डाटा मेंटेन करते हैं दिस इन्फॉमेशन इज़ कम्युनिकेटेड टू वाइड वेराइटी ऑफ द डिसीज़न मेकर यानी इस इंफॉमेशन से हम क्या करते हैं डिसीज़न मेकरस जो डिसीज़न लेते हैं कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको एक बहुत बड़ी इन्फॉमेसन प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम परफॉर्म दिस ट्रांसफॉर्मेशन वेदर दी आरसली मैनअली सिस्टम और थ्रू ऑवली कंप्यूटराइज आज कल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं जितने भी फिजिकल रिसोर्स हैं इनकी अकाउंटिंग के लिए पूरी तरह से कंप्यूटर पे बेस्ड कर दिया गया है और इनके लिए अकाउंटिंग एक फॉमेशन सिस्टम डेवलप किया गया डिज़ाइन किया गया ओके okay? जैसे अगर आप जी के लिए मैं बात करूँ तो जी के लिए भी एक सॉफ्टवेयर है कि आपने सारे ट्रांजेक्शन एंटर किए और उसने आपको बता दिया कि आपको कितना जी पे करना है आ, और क्योंकि आपने जी एस टी न्यूमेरिकली पढ़ा हुआ है तो उसी तरह से विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर यू कैन ईजली कैलकुलेट द टैक्सेस ईजली सो इनकम टैक्स अथॉरिटी हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज़ हो ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये ईजली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टैक्स पार्ट को कैलकुलेट कर सकती है सो दीज आर द ब्रीफ एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर इस पर डिस्कस करेंगे कि वॉट इज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वॉट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ओके सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट Ki kindly read all the things related to this chapter like a uses of computer in accounting very carefully thank you thanks a lot and take care